हेलो एंड वेलकम टू लॉपरा न्यूज़ पेपर एनालिसिस शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़ पेपर बिफोर दैट अस फर्स्ट रिकॉल द लास्ट न्यूज़ पेपर सो फर्स्ट क्वेश्चन ब्राउन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बताइए ब्राउन हाइड्रोजन किससे बनता है हमने कल देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मिशन चला रही है पूरा पूरा जहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाया जाए ठीक है ना तो उसी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो है वो आज ये बात चल रही है और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई कितने तरह की हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती ठीक है ना तो उसमें हम लोगों ने ब्राउन हाइड्रोजन भी देखा था बताएं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग आज थोड़ा सा लेट चल रहा हूं मैं एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट हो चुकी है जी बताइए कोल इज द आंसर चलिए बढ़िया है आप सब लोग रिवाइज करके आए मतलब है ना सो आंसर इज कोल ओके जैसा कि हम लोगों ने देखा था दैट कोल जो है वो ब्राउन हाइड्रोजन से बनता है सॉरी ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो कोल से बनती है है ना ये चीज है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाटर रिसोर्स आर अंडर स्टेट लिस्ट सेकंड पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर अंडर यूनियन लिस्ट ऑप्शन वन इज करेक्ट सेकेंड इज करेक्ट बोथ आर करेक्ट और नन इज करेक्ट अब इसके अंदर हम लोगों ने अगर आप कला आपको याद हो तो हमने देखा था कि किस तरह से सतलुज और यमुना रिवर को जोड़ने के लिए किनार बनाने की बात चल रही थी जिसके अंदर एक पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट था ठीक है ना और वहाँ पर सारी बातचीत चल रही थी कि किस तरह से जो है वो पानी का ट्रांसफर जो है वो अपने आप में एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है ठीक है ना तो इससे रिलेटेड जो है वो बात थी बताएं ए इज द आंसर सी 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 इज़ द आंसर बोथ सी एग्जैक्टली आंसर जो है वो सी होगा वाटर रिसोर्स एस सच तो स्टेट लिस्ट में है तो वाटर से रिलेटेड लॉज तो वो बनाते हैं लेकिन दोनों स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर पार्लियामेंट काम कर सकता है आपके आर्टिकल 262 भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है कि भाई इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो काम कर सकती है और पार्लियामेंट के अंदर लॉज बना सकती है इवन इतना इतने पावर्स दे चुके हैं कि भाई सुप्रीम ये भी कहा जा सकता है इसके अंदर पार्लियामेंट पार्लियामेंट अपने लॉ में ये भी कह सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर हार्ड नहीं डालेगा ठीक है ना तो ये चीज़ भी इसके अंदर साथ में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग Recently a committee has been made to enhance the development of Ladakh area and nearby region headed by honorable minister बताइए हमने कल देखा था कि जो लद्दाख का एरिया था उसके अंदर डिफिकल्टी ये हुई कि 2019 के बाद में सिचुएशन ये आ गई कि वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो सारा का सारा जो है वो सिविल I'm audible now, More comments. I am audible and visible. I am audible as well as visible.

डी फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स देखिए इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है कि आप लोग फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दोनों का रिसेंटली ही जजमेंट आया शायद इसलिए आप जो है वो इनमें कन्फ्यूज हो रहे हो ठीक है ना फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स का जो इश्यू है उसमें अलग केस है ठीक है ना और ये जो बेसिकली केस है ये ट्रिपल टेस्ट फॉर रिजर्वेशन के लिए है जो कि यूपी के अंदर इशू बना था अलाहाबाद कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप लोग जो है वो ओबीसी को रिजर्वेशन दे करके और अपने जो म्यूनिस्पैल्टीज के चुनाव है वो कर सकते हैं ठीक है ना तो ये किस रिलेटेड है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला फॉर रिजर्वेशन से ठीक है ये चीज है अब हम देखते हैं आज का बेसिकली न्यूज सो फर्स्ट न्यूज डेसेनियल सेंसस पुट ऑफ टिल सेप्टेम्बर टू फ्रीज बाउंड्रीज देखिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर सेंसस किया जाता है सेंसस मतलब हर दस साल के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि भाई इंडिया के अंदर लोग कितने हैं मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं और किस हिसाब से जो है वो उनके बीच में जो है वो रेशियो चल रहा है एजुकेटेड कितने लोग हैं वगैरह वगैरह जितनी भी जानकारी होती है उनसे रिलेटेड ठीक है ना वो सारी सारी ली जाती है ठीक है ना और हर दस साल में देखी जाती है ताकि गवर्नमेंट को ये पता लगे कि भाई हमारे देश में कितने लोग हैं उनको सर्व करना है कितने लोगों को काम करना है किस एरिया में कितने लोग हैं और किस एरिया के अंदर लोग कम हैं उस हिसाब से रिसोसेज को भी एलोकेट करना पड़ता है ठीक है ना भाई किस एरिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ठीक है तो अपने आप ही वहाँ की जो राशन शॉप्स हैं या फिर गरीब एरिया गरीब लोगों का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो अपने आप ही उस एरिया में जो सब्सिडीज़ है उनको बढ़ाने का काम या ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली वहीं पर करनी पड़ती ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें क्योंकि करनी ज़रूरी है और उस एरिया के अंदर करनी नेसेसरी भी है तो इस चीज़ के लिए बेसिकली क्या होता है दैट आपके सेंसस लिया जाता है ठीक है ना तो सेंसस का मोस्टली क्या था कि मोस्टली तो सेंसस 2011 में हुआ 2001 में होता है वैसे हर 10 साल के अंदर होता था लेकिन 2021 के अंदर सेंसस हुआ नहीं था कोविड के कारण से ठीक है ना और कोविड आने के कारण जो है वो हुआ नहीं था फिर ट्वेंटी के अंदर भी उस कारण से नहीं हुआ अभी जो है वो रिसेंटली जो डेट है बाउंड्रीज़ को फ्रीज करने की देखो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज जो होते हैं अलग अलग हर एक डिस्ट्रिक्ट के उसके अंदर कई बार चेंजेस आते रहते हैं है ना कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यहाँ तक है या इस गांव तक है ठीक है ना अब होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को फ्रीज कर दिया जाता है कि भाई अब हम लोग सेंसस शुरू करेंगे तो इसलिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में कोई चेंजेस नहीं आ सकता तो उसका कारण क्या है बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है ठीक है ना उसके हर एक गाँव के अंदर आपने सेंसस कर लिया और उसके बाद में जो है दूसरे गाँव में सेंसस करने गए जितने दोनों ही एरियाज जो है उसका उन्होंने अपने बाउंड्रीज को चेंज कर लिया तो अल्टीमेटली ऐसे चांसेस होते हैं कि शायद आप लोग डबल काउंटिंग कर लें ठीक है ना कि भाई एक गांव जो पहले दूसरे शहर में था जहाँ पे काउंटिंग कर ली वो अब दूसरे में आ जाए तो इसलिए आप डबल काउंटिंग कर सकते हो तो इस तरह की चीज़ ना हो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि बाउंड्रीज़ को फ्रीज कर दिया जाता है कि भाई ये शहर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनका इनमें अब कोई चेंजेज़ नहीं आएंगे ठीक है ना और इनको फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक पूरा पूरा सेंसस कंप्लीट नहीं हो जाता ठीक है तो ये जो बाउंड्रीज फ्रीज करने का काम है इसको जून थर्टी को पहुँचा दिया है कि भाई जून थर्टी तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को सीज़ करने की बात रखी ठीक है ना तो सीधी सी बात है कि भाई इस समय बाउंड्री के रखी है तो इसका मतलब ये है कि भाई ईयर के मिड के बाद में ही जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो सेंसस है उसको शुरू होने की चांस हो सकता है या फिर 2023 के एंड में या फिर 24 की शुरुआत के अंदर हो सकता है ठीक है ना तो ये चांसेस है कि शायद जो है उसके अंदर एक डेढ़ साल और जो है वो लग जाए सेंसस को शुरू होने में और 10 से 11 महीने लगते हैं मोस्टली सेंसस पूरा होने में ठीक है ना क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो सबके पास में जाना उनके साथ में काम करना वगैरह ठीक है ना उन सबसे इन्फॉर्मेशन लेना कलेक्ट करना ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ के लिए क्या है कि इंडिया के अंदर जो सेंसस है उसको वो डिले हो सकता है इसके चांसेस है ठीक है ये चीज़ है तो ये जो चीज़ है इस कारण से बेसिकली आपके

तो इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ है उन स्टेट्स को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में ब्लॉक्स में डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है ठीक है ना अब होता क्या है इन ब्लॉक्स का डिस्ट्रिक्ट का जो एरियाज़ है उसके अंदर कई बार चेंजेज़ आते रहते हैं ठीक है ना कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को हम लोग जो है वो इसमें चार गांव और जोड़ रहे हैं या पांच गांव कम कर रहे हैं ऐसे चेंजेस इनके अंदर फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में चेंज आता रहता है कि भाई ये गाँव यहाँ तक ही है या इस ये तहसील जो है वो इसका एरिया चेंज करके अब इस, इस तहसील को इस शहर के अंदर जोड़ा गया है ठीक है ना तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो आप चेंजेस करते हैं ये चेंजेस अगर नॉर्मली अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सेंसस के समय अगर आप चेंजेस करते हो तो मान लीजिए आपने एरिया नंबर वन के अंदर पूरा सेंसस अपना कर लिया और उसके बाद में एरिया नंबर वन में चेंज आ गया और एरिया नंबर टू में जब आप गए सेंसस करने के लिए तब आपने चेंज आने के बाद में जो कुछ एक गांव जो है वो वन से टू के अंदर चले गए थे आपने टू समझ करके उनको वापस से जो है वो गिन लिया तो हुआ क्या कि जो कुछ एक गांव थे वो दो बार गिने गए उसकी डबल काउंटिंग हो गई ऐसा हो सकता है ठीक है ना तो इस तरह की कोई चीज़ ना हो और फिक्स्ड रहे कि भाई यही एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं ताकि कोई भी तरह की डबल काउंटिंग ना हो ठीक है ना इस चीज़ों के लिए क्या किया जाता है कि एरियाज़ को फ़िक्स कर दिया जाता है कि आप जब तक सेंसस चल रहा है तब तक कोई भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ में चेंज नहीं ला सकते ठीक है ना उनके अंदर चेंज नहीं कर सकते जो डिस्ट्रिक्ट जो तहसील जो गाँव जिस एरिया में जिस तहसील में आ रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं उसके अंदर ही रहेंगे जब तक सेंसस का ये सारा काम चल रहा है ठीक है ना ताकि हम लोग कोई डबल काउंटिंग ना कर ले ठीक है और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ठीक है ये इतनी सी बात है और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है ना इसमें घुसने की जरूरत है आप लोगों को ठीक है ना ये चीज़ है सेंसिस का बैकग्राउंड क्या रहा है इंडिया में क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लैट बेसिकली क्या करता है कि न्यूज़ को न्यूज़ से रिलेटेड एक दो तीन क्वेश्चन पूछता है ठीक है लेकिन उसके साथ के तीन चार क्वेश्चन किससे पूछता है आसपास की चीज़ों से पूछता है तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं सेंसस का इंडिया में कौन करवाता है कैसे हुआ था पहली बार कब हुआ वगैरह वगैरह तो कौन कराता है सेंसस इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ऑफिस है ये करवाता है सेंसस कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट नाइनटीन ठीक है नाइन का जो एक्ट है उसके अगेंस्ट होता है पहली बार ये बिल है ये कौन लेकर के आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल लेके आए थे जो उस समय के होम मिनिस्टर थे ठीक है द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 यूनियन सब्जेक्ट का मतलब क्या है है इससे रिलेटेड लॉज जो वो सिर्फ भारत सरकार बना सकती है पार्लियामेंट बना सकती है ठीक है ना और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं है कि वो इसके अंदर बनाए या ना बनाए सर कहना है मेक नोट फ्रॉम दिस दिसकोर्स यू कैन देखिए नोट्स बना लीजिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोशिश करें कि नोट्स छोटे से छोटे कंसाइज बनाएं जैसे कल ही मैंने दो तीन बच्चों को देखा नोट्स तो उनके दो दो तीन तीन चार चार पन्नों के अंदर नोट्स बन रहे हैं एक दिन के सोच करके देखिए अगर आप दो दो तीन तीन, तीन पन्नों के अंदर नोट्स बनाओगे साल में तीन सौ पैंसठ दिन है अभी एक साल है क्लैट के अंदर और अल्टीमेटली होगा क्या तीन सौ पैंसठ दिन में दो पन्ने हर रोज़ के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका तकरीबन सात सौ आठ सौ नौ सौ पन्ने आप इकट्ठे कर लोगे जिसका रिविज़न संभव नहीं है एक ह्यूमन बींग से संभव नहीं है ठीक है ना तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को कंसाइज रखें जितना पॉसिबल हो ठीक है ना बहुत लिमिटेड रखें ये चीज है आधे पन्ने के अंदर या ज्यादा से ज्यादा एक पन्ने के अंदर इसको खत्म कर लें ज्यादा डीप में इसके जाने की आवश्यकता नहीं ठीक है ये चीज़ फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वॉज कंडक्टेड इन 1830 थर्टी बाई हेनरी वॉल्टर इन डक्का डा कहाँ पर है आज की डेट में जो आपका बांग्लादेश है ढाका वहाँ पर ठीक है ना जो ईस्ट पाकिस्तान था उससे पहले इंडिया का वेस्ट बंगाल जो था उसके अंदर बंगाल का पार्ट था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल थे तो वो जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर वो था ठीक है ना और उससे ही पहले 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने उसको ये दो पार्ट में डिवाइड किया था उससे पहले सिर्फ वो एक यूनाइटेड बंगाल का पार्ट था ठीक है ना ये चीज़ है फर्स्ट नॉन सेंसस इट वॉज इन इंडिया इन द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड मेो ठीक है ना फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस सेंसस द फर्स्ट सिंक्रोनस टेकन अंडर ब्रिटिश रूल इन 1881 बाय डब्ल्यूसी बाई एग्जैक्टली डका इज़ द प्रीवियस नेम ऑफ ढाका ठीक है ये चीज़ है जैसे आपका कोलकाता जो है उस एरिया का वो कालीकाता से है कालीकाता से कोलकाता बन गया कालीकाता गोविंदपुर ठीक है ना ये दोनों मिले ठीक है ना तीन सिटीज़ थे ये मिल कर के और उनके बाद में उन सिटीज़ का एक नाम रखा कलकत्ता ठीक है ना तो आज कैलकटा हुआ कलकत्ता हुआ तो यही सेम चीज़ जो है वो डक्कन के साथ हुई है ना डका और डक्न ये चीज़ है।

जो पूरे भारत को सब लोगों मतलब को साथ में लेकर के जो सेंसस नहीं है ठीक है ना एक लिमिटेड एरिया का सेंसस है लिमिटेड काम के लिए सिंक्रोनस मतलब सबको साथ में लेकर के बड़ा सेंसस जो पूरा हुआ है उसकी बात चल रही है ठीक है ये चीज़ सिक्सटीन सेंसस जो इस बार होने वाला है दो में उसमें क्या बड़ी चीज़ है कि एक तो सबसे पहले वो पोस्टपोन हुआ है कोविड नाइन्टीन के कारण सेकेंड क्या होगा कि वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा ठीक है ना और फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा और ऑल्सो प्रोविजन ऑफ सेल्फ इन्यूमरेशन खुद से आप बता सकते हो उसके अंदर चीज़ें खुद से आप चीज़ें डाल सकते हो करेक्ट कर सकते हो ठीक है ना इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाई पर्सन फ्राम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड मेम्बर्स लिविंग द फैमिली विल बी कलेक्टेड यानी कि ट्रांसजेंडर को भी अब एक जेंडर दिया जाएगा इसके अंदर ठीक है ना सिर्फ मेल और फीमेल जो है पहले होता था जेंडर अब इसके अंदर ट्रांसजेंडर भी दिया जाएगा होता क्या इसके अंदर एक कॉलम होता है जो कि हेड ऑफ द फैमिली का होता है ठीक है ना तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली का कॉलम है उसके अंदर जो है वो ट्रांसजेंडर को भी आपके प्लेस दिया जाएगा ठीक है ये चीज़ है नेक्स्ट न्यूज़ इज तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तिरुपति के अंदर जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है लिक्विड ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है और इसकी बड़ी बात यह है कि ये फाइटोराइट टेक्नोलॉजी जो है उसको लेगा अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है बड़ी चीज़ तो देखो इस टेक्नोलॉजी का बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपके बेसिकली एक नेचुरल चीज़ों को काम में लेकर के और आपके जो है वो ये चीज़ बनाई गई है ठीक है ना और इस कारण से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव शायद ये कहे और हो ठीक है ना इसके अंदर वैसे तो हालांकि कार्बन फिल्टर्स भी लगा रखें लेकिन इसके साथ के अंदर अगर आप देखोगे तो सेडिमेंटेशन को काम में ले रहे हैं ये लोग ठीक है या फिर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी ज्यादा चीज़ें जहाँ पर ग्रेवल्स को या फिर स्टोन को यानी कि पत्थरों को काम में लेकर के या फिर ऐसे पौधों को काम में लेकर के जिनसे जो है वो सफाई की जा सकती है पानी की वो चीज़ करने की कोशिश करें तो बेसिकली एक नेचुरल तरीके से नेचुरल प्रोसेस से इन्होंने कोशिश करी कि किस तरह से वो लोग जो है वो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर सके ठीक है ना वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में सिचुएशन ये है दैट इंडिया के अंदर तकरीबन जो है वो सिक्सटी परसेंट प्लस जो वाटर है उसका ट्रीटमेंट सही से होता नहीं है जिसके कारण जो है वो सारा का सारा पानी वेस्ट होता है ठीक है ना अब होने हो, हो रहा क्या है एक्चुअली में आप अगर आप इसराइल के पास जाओ तो इसराइल के अंदर पूरा का पूरा उसका जो वेस्ट वाटर है वो पूरा पूरा उसको जो है वो साफ वाटर साफ़ पानी बना लेती है और उसके बाद उसको काम में लेती है ठीक है ना इंडिया में ये सिचुएशन नहीं है इंडिया के अंदर क्या होता है कि शहरों के अंदर जितना भी पानी होता है ख़राब वो अल्टीमेटली हम लोग जो है वो किसी खुले एर खुले एरिया के अंदर जंगल के एरिया के अंदर छोड़ देते हैं जैसे एक तो वहाँ की जो लैंड है उसके अंदर पोल्यूशन होता है सॉइल पोल्यूशन होता है सेकेंडली वो पानी रिस करके जब नीचे जाता है तो वो ग्राउंड वाटर को भी डिप्लीट करता है ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी खराब करता है ठीक है ना ये तो दोनों लॉसेज उस कारण से होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि आस के जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं वो सब सूखे पड़े रहते हैं ठीक है ना तो इसका जैसे कई बार क्वेश्चन भी आता है ठीक है ना तो कई बार पूछा भी जाता है कि भाई किसका सोल्यूशन क्या है तो उसमें सोल्यूशन ये चीज कही जाती है कि भाई आप लोग जो है ये कही जाती है कि भाई इंडियंस को क्या करना चाहिए बेसिकली कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है जैसे इसराइल का मैंने आपको बताया कि भाई वो पूरा का पूरा पानी साफ कर लेता है तो इस तरह के प्लांट्स जो है वो अगर आप हर शहर के अंदर लगाओगे तो इसका फ़ायदा क्या है कि डायरेक्टली एक तो आपका सॉइल पोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएगी सेकेंडली क्या होता है जैसे कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है आपके ठीक है ना या फिर गुजरात का थोड़ा एरिया पीछे का सूखे का तो यहाँ पर क्या होता है किसानों को पानी छब्बीस सत्ताईस दिन से एक बार मिलता है ठीक है ना तो आप ये सारा का सारा पानी ट्रीट करके और डायरेक्टली जो है वो फार्मर्स को दे सकते हो तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन नहीं होगा और आपके ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन नहीं होगा और सेकेंड क्या होगा सारा का सारा पानी एग्रीकल्चर लैंड्स को मिलेगा और उनको जो है फ़ायदा होगा तो दोनों साइड विन विन सिचुएशन आ सकती है ठीक है ना इस तरह की चीजें करने की कोशिश भी करी है आज की डेट में कई लोगों ने करी भी है और इवन आपकी गंगा के अंदर ये चीज कोशिश की गई कि भाई गंगा को भी साफ किया जाए हालांकि उसके प्रोसीजर थोड़े अलग है वहां पर फिल्टर्स अलग तरह के लगाए हुए हैं ये फिल्टर नहीं है पर काफी काम हुआ है इवन उसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है देखिए ये पैरामीटर होता है कि कैसे आपको पता चलता है कि भाई पानी साफ है या नहीं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो गंगा की है वो काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है ठीक है ना और इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है कि भाई वाराणसी के अंदर ऐसा कहते हैं कि पानी जो है वो पीने जैसा हो गया है वो मोस्टली क्या होता है कि वाराणसी के अंदर पानी पीने का और गंगा जो है उसको उसको कहते हैं वहाँ पर आचमन तो वो करने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक ट्रेंड है कल्चर में वहाँ के तो इसलिए वहाँ पे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ़ेमस हुई थी कि भाई गंगा जो का जो पानी है वो आचमन जैसा हो गया यानी पहले जो है वो पानी पीने जैसा भी नहीं था लेकिन आज की डेट में सफाई करने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उससे हुआ है तो यही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है थोड़े अलग तरीके से कि तिरुपति में अब लार्जेस्ट जो है लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट बन रहा है इंडिया के अंदर ठीक है ना ये प्लांट बेसिकली डिज़ाइन किसने किया है, तो सी के नेरी ने सी जैसे आपको पता होगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है ठीक है ना ऑटोनोमस बॉडी है नाइनटीन के अंदर इसको बना था ठीक है ना और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में काम करती है ठीक है और अभी रिसेंटली जैसे आपको पता होगा कि भाई एक फीमेल जो है उन्होंने हेड किया है इनको यमुना रिवर पानी ख़राब है बिल्कुल बात सही है आपकी पर यमुना को भी साफ़ करने की कोशिश हो रही है आज की डेट में ठीक है देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली कि रिवर एज सच खराब नहीं होती पर रिवर के अंदर हम लोग जो पोल्यूटेंट्स डाल देते हैं आसपास में जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो सारा का सारा अपना पोल्यूशन उसमें डालती है छोड़ देती है आस पास में जो सिटीज़ होती है वो अपना सारा का सारा वेस्ट जो है वो नदियों में छोड़ देती है तो उस कारण से जो है नदी खराब होती है अगर आप वो छोड़ना भी बंद कर दो सिर्फ जो पोल्यूशन है वो छोड़ना भी बंद कर देते हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है नदी का पानी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो पानी बहेगा ठीक है ना तो होगा क्या कि अगर आप सिर्फ अब डालना बंद कर दो तब भी वो साफ़ हो जाएगी नदी लेकिन हमारी ये सिचुएशन है कि हम अभी भी डालते जो है ना छोड़ते नहीं और इस चीज़ के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और बढ़ जाती हैं ठीक है ये चीज़ है सेकेंड इसमें क्या है इंक्लूड सेडिमेंटेशन प्रोसेस एंड सेपलिंग अलॉन्ग विद ग्रेवल्स एंड स्टोन अलॉन्ग विद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जैसे हम लोगों ने बात करी ली इसके बारे में ठीक है ना ये चीज़ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है वॉट इज स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाई सी पी सी बी इंडियाज करंट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज ट्वेंटी सेवन परसेंट और ऑल द इंडियाज़ वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी इज़ हायर देन ग्लोबल एवरेज ऑफ ट्वेंटी इट इज़ फार फ्रॉम एडिक्वेट ये तो सीधी सी बात दिखी रही है कि भाई हमारी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि हम लोग को सारे रिवर्स हमने पोल्यूट कर दी है सारे एरियाज़ को पोल्यूट कर दिया है ग्राउंड वाटर तक को पोल्यूट कर दिया है ठीक है इवन पंजाब हरियाणा के अंदर सिचुएशन ये है कि पोल्यूशन का एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर के अंदर पानी का लेवल इतना गिर चुका है कि अल्टीमेटली वहाँ पे जो यूरेनियम के रॉक्स थे वो यूरेनियम जो है वो उसमें से टूट टूट करके और अल्टीमेटली उस पानी में गिरने लग गया जो कि वापस ऊपर जब पानी खींचते उसके साथ में ऊपर जाने लग गया जिस कारण से वो यूरेनियम के कंटेमिनेशन से वहाँ पे कैंसर जो है वो कैंसर जैसी बीमारियाँ काफी ज्यादा फैलने लगी नॉर्दर्न राजस्थान और आपके हरियाणा के एरियाज में ना तो उसका भी बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों ने जो है वो ग्राउंड वाटर का भयंकर डिप्लीशन किया है और उसका जो है वो वेस्ट कर रहे हैं उसको और उसके साथ में उसको खराब भी कर रहे हैं ठीक है थीके? ये चीज़ है एज पर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन अर्बन एरियाज रिमेन अन ट्रीटेड एंड पार्शली ट्रीटेड जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि भाई सिक्सटी परसेंट से ज्यादा सिचुएशन जो है वो खराब है नेक्स्ट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है तो स्वच्छ भारत मिशन दो टू पॉइंट ये तो हम लोगों ने देखा ही है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बेसिकली भारत सरकार क्या कर कोशिश करती है कि भाई जितने भी एरियाज़ हैं उनके अंदर जितना भी स्लज वाटर है ठीक है ना और जितना भी खराब पानी है उस सबको जो है वो ट्रीट किया जाए और पूरा ट्रीट करके उसके बाद में छोड़ा जाए ठीक है ना ओ प्लस और ओ डी प्लस प्लस के अंदर यही चीज़ें हैं ठीक है ना कि भाई आप कितना ट्रीट करते हो वेस्ट को और उसके बाद में छोड़ते हो

वहाँ पर जो है वो एक राजा थे वो रूल करते थे ठीक है ना 2005 के बाद में बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है वो किंग का जो रूल था वो ख़त्म हुआ और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई लेकिन डेमोक्रेसी जो आई उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं क्योंकि तो वहाँ पर किसी एक सरकार जो है वो सही से सरकार बना नहीं पा रहे और ऐसा सिचुएशन क्या होता है कि भाई स्टेबिलिटी कम होने के कारण जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जा रहे हैं सेकेंडली ये भी सिचुएशन है वहाँ पर कि भाई कुछ एक ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ एक लोग जो है वो इंडिया के फेवर में कुछ एक लोग चाइना चाइना के फेवर में ठीक है ना तो अल्टीमेटली वहाँ के लोग ही जो है वो अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ों को सेकेंडली ये है कि इनका कहना है कि भाई जिस तरह से वर्ल्ड लेवल के ऊपर चीज़ें बदल रही है और देशों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है और जिस तरह के मेंटल डेवलपमेंट लोगों के अंदर हो रहा है तो ये सोचना कि भाई एक पार्टी पूरी तरीके से प्रो इंडिया होगी या प्रो चाइना होगी कोई एक देश के लिए तो वो चीज़ें इनका कहना है कि भाई अब जो है वो आज की डेट में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हर एक देश को जो है वो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो देखना आता है आज की डेट में ठीक है ना मोस्टली जैसे आप लोग को पता ही होगा कि नेपाल जो एक देश है वो एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में है ना यानी एक सैंडविच कंट्री है ठीक है ना भूटान भी और नेपाल भी ये दोनों कंट्रीज जो है वो बेसिकली ये इनको इंडिया काफी ज्यादा हेल्प करता है और कोशिश करता है कि भाई इंडिया के इन्फ्लुएंस में ये दोनों कंट्रीज रहें ठीक है ना और इनके साथ में रिलेशन भी हम लोग अच्छे बनाए रखें ठीक है ना इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी करी है इवन कई जगहों पर जो है वो जैसे आपकी इंडिया नेपाल की ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप है नाइनटीन की उसके अंदर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनको रिलैक्सेशन भी दिए हैं कैसे दिए है रिलैक्सेशन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है वहाँ से लोग जो है वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं और इंडिया के लोग वहाँ से जा सकते हैं ठीक है ना और फ्री ट्रेड दोनों के बीच में कर सकें ठीक है ना कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं इवन पता तक नहीं चलता कब आप नेपाल में एंटर कर जाते हो है ना तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने उनको फ्री एक्सेस दे रखा है जिस कारण से वहाँ के कई सारे लोग लाखों लोग जो है वो इंडिया में काम करके और अल्टीमेटली इनकम प्रोवाइड करवाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को नेपाल के अंदर ठीक है ना इवन इंडिया का जो टूरिज़्म का इतनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक बड़ा सोर्स बनती है टूरिज़म का नेपाल के अंदर जो कि कल्चरल टूरिज़्म है जैसे आपके पशुपतिनाथ है ठीक है ना या फिर मैथिली है, है ना मिथिला जिसको कहते हैं जिसको जो कि राजा जनक की जो है वो बेसिकली कैपिटल थी ठीक है ना जिसमें जो लॉर्ड राम की जो वाइफ थी सीता उनका गांव कहा जाता है मिथिला ठीक है ना तो ये चीज बफर स्टॉक नहीं है बफर स्टेट का है मैंने बफर स्टेट यानी कि दो बड़े देशों के बीच में दो जाइंट देशों के बीच में एक छोटा सा देश सैंडविच बन गया ठीक है ना बफर स्टेट दोनों के बीच बफर स्टॉक अलग होता है बफर स्टेट बफर स्टेट एस टी ई -ए -टी -ए, बफर स्टेट ठीक है तो ये चीज है तो इंडिया और चाइना जो है उसका क्वेश्चन नहीं रहता है आज की डेट में उसका रीज़न सीधा सा और एक ये चीज़ भी दिखती है कि भाई जिस तरह से डेट ट्रैप जो पॉलिसी चला रहा है चाइना चाइना बेसिकली क्या करता है कि जिस भी देश के अंदर जाता है उसके अंदर उस देश के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उस देश के जो हेड होते हैं उनके साथ में इतनी ज़्यादा बातचीत करता है कि भाई आप जो है वो हमसे सारी चीज़ें ले लीजिए हम आपके यहाँ पर रोड्स बना देंगे शिप्स बना देंगे पोर्ट बना देंगे अल्टीमेटली वो इतना ज़्यादा कर्ज डाल देता है उस देश के ऊपर कि वो वो जो देश है वो दब जाता है ठीक है ना और वो देश के दब जाने के कारण क्या होता है कि वो देश जो है वो अल्टीमेटली जैसा वो देश कहता है जैसा चाइना कहता है वैसा करता है ठीक है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का सी अगर आपको पता हो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ये कॉरिडोर बेसिकली आपके कराची से लेकर के और ऊपर तक यानी कि आपके नीचे कराची पोर्ट से लेकर के और पूरा का पूरा आपके कश्मीर का पीओके का जो एरिया है उसको क्रॉस करता हुआ चाइना तक जो है वो जोड़ता है जिसके अंदर पोर्ट भी बनेंगे जिसके अंदर जो है वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ रोड वगैरह सब जो है वो चाइना ने बनाया पाकिस्तान के लिए इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इतना ज़्यादा डेट कंज्यूमिंग था कि अल्टीमेटली आज की डेट में चाइना जो है उसका बहुत बड़ा डेट जो है वो पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान इसको चुकाने के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसके लिए इसलिए उसकी जो इकनॉमी है वो काफ़ी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है उसकी यही सेम चीज़ श्रीलंका के साथ में भी हुई है कि श्रीलंका का हमन टोटा पोर्ट बनाया चाइना ने और बना करके बनाने में उसमें इतने ज़्यादा पैसे लग गए कि अल्टीमेटली श्रीलंका उसका पेमेंट नहीं कर पाया और अल्टीमेटली श्रीलंकन पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा कि नाइन्टी नाइन के लिए हम्बन टोटा पोर्ट ही उनको देना पड़ा कि भाई हम लोग पैसे तो नहीं दे सकते पर सौ साल के लिए पोर्ट आप ही रख लो आप ही इसको काम में ले लो और उसके बाद हमें पोर्ट वापस दे देना ठीक है ना ये सेम चीज जो है वो आपके म्यांमार के साथ में भी दिख रही है और बाकी देशों के साथ भी दिख रही है इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा डेवलप्ड देश जो है उसका एक बड़ा पार्ट एफ का जो है वो चाइना के साथ में ठीक है ना तो ऐसा चाइना के डेट ट्रैप के अंदर सब फंस रहे हैं इवन इंडिया को बोला गया कि भाई आप भी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर काम करें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से चाइना को क्या बेनिफिट होगा देखो कई जगह पे बेनिफिट जो है वो इकोनॉमिक नहीं होता है ठीक है ना होता क्या है बेनिफिट इसके अंदर इसको समझने की कोशिश करना इसमें स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है आप पाकिस्तान को अपने अंगूठे के नीचे रखोगे तो अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर प्रेशर बनेगा ना पॉइंट यहाँ पर ये सेकेंड क्या होता है कि कराची पोर्ट आपके लिए अगर सीधा खुला है ठीक है ना तो होता क्या है कि अभी आज की डेट में चाइना को क्या करना पड़ता है कि आपके स्टेट ऑफ मल्लाका से क्रॉस करवा करके जो है वो अल्टीमेटली चाइना के अंदर ऑयल वगैरह सब चीज़ों का इम्पोर्ट होता है जो भी चीज़ें उसको जो है वो सऊदी अरेबिया या फिर आपके इराक ईरान से लेनी होती है अब अगर उसका एक डायरेक्ट रूट बन जाता है मान लीजिए जिसके अंदर कराची पोर्ट से डायरेक्टली जो गाड़ी है वो ऊपर जा कर के और सीधी चाइना पहुँचती है ऐसी पॉसिबिलिटी मैं सोच रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ बन गया है क्या ठीक है तो ऐसे में क्या होगा इसके अंदर सारी सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली चाइना के लिए काम की होगी फेवरेबल होगी इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा और स्ट्रैटेजिकली तो फ़ायदा हो ही रहा है ठीक है ना ये चीज़ है इज़ पाकिस्तान सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन चाइनीज नहीं ऐसा कुछ नहीं सो so, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई वो डेट ट्रैप पॉलिसी जो है उसको भी वहाँ के लोग लो समझते हैं कि भाई इस तरह की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं होती और अल्टीमेटली इसलिए ना प्रो चाइना ना प्रो इंडियन बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख करके काम किया जाता है इनका नेक्स्ट ये भी कहना है कि भाई इंडिया और चाइना नेपाल के बीच में जो है वो एक फ्रेश थिंकिंग की और जो है वो आवश्यकता है ठीक है ना आज की डेट के अंदर सिचुएशन ये है कि भाई दोनों के बीच में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ खूब सारी है कि भाई अगर वो अच्छे से काम करे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन को सुधार सकते हैं ठीक है ना जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं दोनों के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को और आगे बढ़ा सकते हैं दोनों के बीच में जो है वो काम बढ़ सकता है ठीक है ना पोलिटिकल लेवल पर इकोनॉमिक लेवल पर सोशल लेवल पर ठीक है हमारे कल्चर्स भी एक जैसे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दोनों देशों को हो सकता है ठीक है ना तो इस चीज के लिए जो है बेसिकली कहा जाता है कि भाई इंडिया और नेपाल को अपने बारे में सोचना चाहिए और चाइना की जो डेट रैप पॉलिसी है उससे बाहर निकलना चाहिए ठीक है ये चीज कई बार ये भी होता है दैट जैसे एक बार ये हुआ दैट चाइना की तरफ बहुत ज्यादा नेपाल जाने लग गया था ठीक है ना तो ऐसे में इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता कि भाई वो अपने एरियाज के अंदर ही रहे ठीक है ना तो ऐसा उस समय क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि भाई इंडिया ने जो है वो ऑयल का जो सप्लाई है भाई नेपाल के पास में अपने आप में तो खुद का कोई ऑयल का तो है नहीं कि भाई उसके पास कोई सी पोर्ट हो वो तो उसके पास में सी है ही नहीं है ना ओशन से उसका कोई समुद्र से कोई तट लगता ही नहीं उसका तो इंडिया जो है वो हेल्प करता है उसको इंडिया से जो ऑयल आता है वो अल्टीमेटली नेपाल जाता है तो इंडिया ने क्या किया कि अल्टीमेटली दंगे करवा दिए उस एरिया में ऐसा कहा जाता है कि भाई उस एरिया में जहाँ से ऑयल जाता था वहाँ दंगे करवा दिए और अल्टीमेटली हमने सारा ऑयल रोक दिया नेपाल का तो वहाँ की सारी सारी इकोनॉमी जो है वो कुछ समय के लिए सीज हो गई भाई ऑयल नहीं होगा तो फिर कैसे इकोनॉमी चलेगी तो उस समय जो है वो काफ़ी एक तरह से इंडिया ने मैसेज दिया कि भाई आप लोग जो है वो इंडिया अगर आपके लिए इतना कर रहा है तो थोड़ा आपको समझना चाहिए कि भाई आप एकदम से जो है वो नेपाल की तरफ आप जा रहे हो इतना ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव दिखा रहे हो ये ठीक नहीं है ठीक है ये चीज़ है नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम इन अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई मिनिस्टर की जो स्पीच वगैरह है उसको जो है वो बचा के रखना चाहिए और उसमें काम जो है वो करना चाहिए वो सारी सारी चीज़ें बेसिकली वापस कही जा रही है इनका ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बात बोल दी दैट आपके जो है वो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी तरह का चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं तो ऐसे में अगर कोई तरह के चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके आर्टिकल 19 के अंदर पर्याप्त जितनी जरूरत है उतनी सारी चीज़ें हैं और उसमें कोई भी जो है वो मिनिस्टर की स्पीच के हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना हालांकि होने में ये भी चीज़ है कि भाई मिनिस्टर जिस हिसाब से बोलते हैं आज की डेट में इंडिया में और जिस हिसाब से काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि भाई आने वाले समय में शायद गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा दिक्कतें बने ठीक है ना और मिनिस्टर की स्पीच जो है वो फिर से जो है वो एक बड़ा इशू बने लेकिन आज की डेट में वापस जो है वो सरकार ने आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई इसके ऊपर कोई इशू नहीं बन सकता ठीक है सेकेंड लिस्ट में ये चीज़ है कि भाई इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को आप हर जगह पे जो है वो रोक नहीं सकते भाई मिनिस्टर जो है उनके भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है उनको हर जगह पे रोकना उनको टोकना और अल्टीमेटली उनको कब करना अल्टीमेटली आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और ज़्यादा रोकेगी अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को और ज्यादा सिंक्रनाइज कर रही ठीक है ना छोटा कर रही है और ये चीज़ ठीक नहीं ठीक है ना ये चीज़ के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया अप अपलिंकिंग हब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है बेसिकली वैसे तो कम थोड़ा काम का है ये एडिटोरियल हमारे पर ओवरऑल चीज़ इसके अंदर अच्छी बता रखी है

आपको कोई भी तरह की चीज़ें अगर आपकी जो टीवी पे दिखती है तो उसका कारण क्या होता है बेसिकली कि आपके जो ग्राउंड पे जो स्टेशन है वो बेसिकली इसको सैटेलाइट पे चढ़ाते हैं ठीक है ना तो वो अपलिंकिंग होता है ठीक है ना वो सैटेलाइट पे जो चीज़ चढ़ाई जाती है वो फिर वापस जो है वो नीचे आती ठीक है ना उसको डाउन लिंकिंग कहते हैं ठीक है तो ये अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग का जो काम है उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो बनाई गई है इनका ये कहना है कि भाई इंडिया के अंदर जो सैटेलाइट से को काम में लेकर के और पहली बार जो टीवी को चलाना का काम शुरू हुआ वो नाइनटीन में हुआ उससे पहले जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था जैसे अगर आपको याद हो जैसे आप लोग को शायद आपके समय में नहीं था मेरे समय में था ये चीज़ें कि पहले जो था होता क्या था कि भाई एंटीना लगा हुआ होता था और एंटीना को हिलाया जाता था ये देखने के लिए कि भाई अब आ रही है क्या टीवी ठीक है ना नहीं आती थी तो बार बार छत पे जा करके उसको हिलाते थे तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि आपके जो ट्रोपोसफेयर से ऊपर आइनोसफेयर होता है ट्रोपोस्फेर सेटोसफेयर मीजोसफेर आइनोसफेयर तो आइनोसफेयर में जो आयंस होते हैं उनको डायरेक्टली जो है वो बेसिकली क्या होता था कि मैसेज सेंड करते थे और आइनोसफेयर के जो अंदर जो आयंस है वो वो रिफ्लेक्ट करते थे उसको तो उस रिफ्लेक्शन से जो है वो बेसिकली वो एंटीना में आता था और एंटीना से फिर हमारे टीवी के अंदर वो सारी चीज़ें आती थी इसलिए वो चीज़ें जो है वो रात को सही नहीं चलती थी दिन में सही चलती थी क्योंकि वो आयंस जो है वो रात को बिगड़ जाते हैं हुआ क्या कि 1990 के बाद में जो है वो सैटलाइट्स आनी शुरू हुई और धीरे धीरे जो है वो सारा काम सेटेलाइट से होना शुरू किया जैसे आज की डेट में आप देखा हो सब जगह टाटा स्काई लगे हुए हैं वो तो टाटा स्काई बेसिकली क्या है आपने अगर देखा हो अगर आपके आसपास घर के तीन चार टाटा स्काई लगे हुए हों या जो भी एयरटेल वगैरह जो भी लगे हुए हों तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं उनके हिसाब की छतरियाँ एक डायरेक्शन में होती है तो वो डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है वो डायरेक्शन होती है सैटेलाइट की तरफ जहाँ पर जो सेटेलाइट लगी हुई है हमारी होता क्या है कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है वो जो है वो सारी चीज़ें देती देखती है ठीक है ना तो वो सेटलाइट जिस तरफ होती है जिस दिशा में होती है उसी दिशा के अंदर जो है बेसिकली वो सारी सारी छत्रियाँ देखती रहेगी तो उसे वो डायरेक्टली अल्टीमेटली मैसेज लेकर के देती है तो आज की डेट में कोई लेटेंसी नहीं कुछ भी नहीं है डायरेक्टली आपको मिलता है तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कब हुई नाइन्टी में ठीक है ना सेटेलाइट का इन्वेजन हुआ और इंडिया के अंदर नाइनटीन के अंदर हुआ नाइनटीन के अंदर ये चीज़ें काफ़ी चलने लगी ठीक है ना उसमें क्या होता था कि भी अपलिंकिंग का जो काम था ठीक है ना ऊपर भेजने का जो काम था वो पहले इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं था ग्राउंड स्टेशन ऐसे थे नहीं तो हम लोग क्या करते थे कि सिंगापुर के या फिर आपके चाइना के अंदर जो है वो रोज़ के रोज़ जो है कैसेट भेजा करते थे तो वो कैसेट जो है वहाँ से जो है वो फिर उसकी अपलिंकिंग होती थी जिससे कि जिस उसके बाद में डाउन लिकिंग जो है वो सब जगह पर होती थी ठीक है ना उसके बाद में धीरे धीरे अपलिंकिंग इंडिया के अंदर अलाउ कर दी दो के अंदर ठीक है ना और कुछ एक चैनल्स ने जो है वो लेना भी शुरू कर दिया उसको ठीक है और फर्दर ग्रोथ ग्रोथ जो है वो इस चैनल के अंदर और ज़्यादा देखने को मिली आज की डेट में सब तरह के जो प्राइवेट सेक्टर भी हैं वो भी इंडिया के अंदर ही बैठ करके अप लिंकिंग भी कर सकते हैं और डाउन लिंकिंग भी कर सकते हैं सारा काम कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उससे रिलेटेड है ठीक है ये एडिटोरियल द ग्रीन प्रामिस जैसा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन मिशन कल देखा था उसी के ऊपर पूरा का पूरा है जिनका जिसमें इनका ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ठीक है ना उससे बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका हाइड्रोजन है ठीक है ना हाइड्रोजन के अंदर जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी कि भाई आपके जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बनाने का तरीका क्या इलेक्ट्रोलिसिस है जिसके अंदर पानी को लेकर के और आपके जो एच टू ओ है उसमें एच अलग कर दिया ओ अलग कर दिया और फिर जो हाइड्रोजन है उसको काम में लेकर के आपने यूज़ कर लिया उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी काम में आती है एच टू ओ को अलग करने में वो सोलर या विंड एनर्जी से काम में ली जाएगी और जितनी एनर्जी लगती है उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ठीक है ना तो इस चीज़ के लिए जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे नहीं होगी और एफिशिएंसी भी जो है व्हीकल्स की बढ़ेगी ठीक है इनका कहना है कि भाई गोल रखा है पाँच मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030 2030 तक जो है वो पाँच मिलियन मेट्रिक टन हमें प्रोड्यूस करना है ऐसा गोल रखा गया है ठीक है ना इनका ये भी कहना है कि भाई इस तरह के गोल तो हम लगते तो हैं लेकिन हुआ क्या है कि आज की डेट में हमारे खुद की जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनके अंदर जो है वो इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका कहना है कि भाई दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर है तो सोलर पैनल आज भी इंडिया के अंदर जो सेवन टू एटी सेवेंटी टू एट्टी परसेंट सोलर पैनल है वो आपके चाइना से आते हैं ठीक है ना क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोलर पैनल बनते, है, बनते हैं वो बहुत कॉस्टली बनते हैं जबकि चाइना काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स में होते हैं तो इसलिए ये चीज़ देखने को मिली है कि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होता है कि भाई जो चाइना है उसका माल हमारे यहाँ पर ज़्यादा बिकता है और हमारे यहाँ के देश के ही माल नहीं बिक रहा ठीक है ना तो ये सारे चीज़ों के कारण क्या हो रहा है बेसिकली हमारे यहाँ पे दिक्कत हो रही तो यही सेम चीज़ ऐसा लगता है कि भाई हाइड्रोजन के रिलेटेड भी जो टेक्नोलॉजी है सारी चीज़ें हैं वो चाइना या दूसरे देश पहले बना लेंगे और इंडिया के लिए काफ़ी ज्यादा दिक्कत उसमें भी देखने को मिलेगी ठीक है थेके? ये चीज़ है तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड ही बात आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई किस तरह से हमें जो है वो चैलेंजेस जो इसके साथ में होंगे देखो ग्रीन हाइड्रोजन के साथ में चैलेंजेस क्या है कि एक तो ये काफी ज्यादा वनरेरेबल होती है ठीक है ना इसको ब्लास्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है हाइड्रोजन के सेकेंडली ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप नहीं हो पाई है वर्ल्ड के अंदर वन परसेंट भी जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन से नहीं बनती ठीक है ना तो ऐसे में ये एनर्जी को पूरा प्रोड्यूस करना बल्क में प्रोड्यूस करना और ज्यादा से ज्यादा इसको काम में लेना अपने आप में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगता है ठीक है ना और ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है इस चीज़ के अंदर सेकेंडली इंडिया के पास में वो रिक्वायर्ड स्किल भी नहीं है कि वो लोग जो है वो बेसिकली इसके लिए काम कर सकें और अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन को और अच्छे से डेवलप कर सकें ठीक है ये सारी चीज़ें बेसिकली इससे रिलेटेड है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक तो ये है सेकेंड इज जापान ऑफरिंग मनी टू मूव आउट ऑफ टोक्यो एम एडिबल नाउ एम सो जैसे हम लोग बता रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है कि भाई जो टोक्यो है या जितने भी शहर है वहां पर वहां पे बहुत सारी जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण क्या चीज़ हो रही है बेसिकली कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है तो अल्टीमेटली सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग करने की जो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो टोक्यो के अंदर ही मिल रही है तो टोक्यो के अंदर ये चीज़ें मिलने के कारण वहाँ पर और लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट की खोज के अंदर वहाँ जाते हैं और पॉपुलेशन और बढ़ती जाती है इसका सेम उल्टा इफेक्ट गाँव में होता है गाँव के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम से कम मिलता जा रहा है और इसलिए गाँव लोग छोड़ते जा रहे हैं और गांव में मार्केट नहीं इसलिए जो पहले लोग एम्प्लॉयड थे पहले जिनकी दुकानें थी उनकी भी दुकानें कम चल रही क्योंकि अल्टीमेटली पॉपुलेशन गिरती जा रही ठीक है ना तो ये एक विश्व सर्कल चल रहा है जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा कि सारी सारी पॉपुलेशन को जो है वो शहरों के अंदर भर देगा जापान के लिए चीज़ डिजास्टर्स और ज़्यादा इसलिए बन जाती है क्योंकि जापान के अंदर जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा वनरेरेबल है अर्थक्विक के लिए ठीक है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्विक्स आते हैं इवन टोक्यो शहर के अंदर काफ़ी अर्थक्विक आ चुके हैं ठीक है ना और काफी ज्यादा दिक्कतें होती है तो ऐसे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा आपके स्क्रीन इज अगेन फ्रीज क्या दिक्कत होगी सर अब ऑडिबल नाउ नाउ इज इट ओके अब ठीक है तो इसके अंदर अगर टोक्यो जैसे जो 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 देश है जो, जो है टोक्यो जैसे सिटीज उसके अंदर भी ये चीज देखने को मिलेगी कि वहां पर जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा डेंसिटी से दिक्कत क्या होगी कि भाई ज्यादा डेंसिटी के कारण वहां पर क्या होगा कभी भी अगर अर्थ को आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में वनरेबलेबिलिटी बनती है और ज्यादा से ज्यादा डेथ के चांसेस जो है वो लोग बनते हैं ठीक है ना इस चीज़ के कारण बेसिकली क्या है कि जापान अब कोशिश क्या कर रहा है जापान लोगों को कह रहा है जापान के अंदर टोक्यो में ये बात कही जा रही है कि सरकार खुद बोल रही है कि अगर आप टोक्यो छोड़ करके और गाँव में रहते हैं तो हम आपको वन मिलियन येन देंगे वन मिलियन येन का सपोर्ट देंगे इसका मतलब छह लाख रुपया आज के आप भारत के वो जो है वो दिए जाएंगे लोगों को जो भी जो है वो जगह छोड़ करके और बेसिकली आपके गाँव में रहने जाएगा ठीक है ना तो इस तरह की चीजें जो है वो चल रही है ये सिचुएशन इंडिया के अंदर भी आ सकती है पूरे पूरे चांसेज है इसके ठीक है ना क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये माइग्रेशन काफ़ी ज्यादा चल रहा है ठीक है ना ये सारी चीज़ें बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के इस सेकेंड पार्ट के अंदर ठीक है ये चीज नेक्स्ट देखते हैं देखो इसके अंदर क्या है कि थर्टी सिक्स राउंड ऑफ इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुआ है जिसके अंदर होता क्या है कि भाई हर एक साल के अंदर ये लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वर्ल्ड के हिसाब से जो दिक्कतें आ रही है उनके अंदर से इंडिया और फ्रांस आपस में क्या क्या कर सकते हैं ठीक है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है ना या फिर अफगानिस्तान का जो इशू है अफगानिस्तान में जैसे आपको पता होगा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर रिसेंटली जो है वो जो मेजर पहले जो गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी हट चुकी है और बेसिकली वहाँ पे जो रूल है वो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बेसिकली वहाँ पर पूरा रूल करना शुरू कर दिया जिसके कारण इशू क्या हो गया दैट अल्टीमेटली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज बन रहे हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं आज की डेट में भारत सरकार जो है वो इतने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर काम कर सके इवन देन वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम ठीक है जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पे फेमाइन की सिचुएशन थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो अपनी तरफ से वहाँ पर वीट भेजे थे ठीक है ना कई सारे ट्रक्स भर करके हमने जो है वीट्स भेजे थे जिसमें पाकिस्तान ने भी इंडिया को एक्सेस दिया था कि भाई आप पाकिस्तान से होते हुए जो है वो वहाँ पर भेज सकते हो वीट ठीक है ना ये सारी चीज़ें बेसिकली इससे रिलेटेड है इसके अंदर इसके अलावा कुछ एक जो है वो वेपन्स की भी बात है इसके अंदर जैसे एफ़ एटीन सुपर हॉर्नॉट है ठीक है ना ये नेवी से रिलेटेड है बेसिकली शिप है जो काफ़ी ज़्यादा काम की है इसके अलावा राफेल एम है ठीक है ना जिसको भी प्रोक्योरमेंट की बात कर रही है कि भाई ट्वेंटी सिक्स जेट्स जो है वो भी हम लोग शायद जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं या इसके ऊपर बात चल रही है ठीक है ना तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली किससे रिलेटेड है आपके इंडिया फ्रेंच सिक्योरिटी डायलॉग से ठीक है ना फ्रेंच इंडिया का काफी अच्छा पार्टनर रहा हुआ है इवन आपके राफेल भी है वहीं से लिया हुआ है और काफी सारा आपके जैसे शिप्स है ठीक है ना तो पी सिक्स जो है वो शिप्स बनने की जो बात थी पूरी पूरी स्कॉर्पियन क्लास पोर्ट है उसे बनाई है हमने ठीक है ना जैसे कलवारी है खंडेरी है ये सारी सारी उनसे बनाई है फिर है एशियन एलिफेंट हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इज ऑप्टीमल इन नीलगिरी रिजर्व देखिए होते क्या है कि दो तरह के एलिफेंट्स होते हैं होता है एलिफेंट होते हैं एक होते है अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हम लोग फिल्मों में एलिफेंट्स देखते हैं जिसके अंदर सॉरी फिर स्क्रीन रुक के शायद चल रही है। तो एशियाटिक तो एलिफेंट्स जो होते हैं उसके अंदर बेसिकली आपके जो आपने फिल्मों में एलिफेंट्स देखे हैं वो बेसिकली अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी ट्रंक होती है और उनके बड़े दांत होते हैं ठीक है ना और ये चीजें जो है वो एलिफेंट्स में नहीं होती एशियन एलिफेंट जो है वो नॉर्मल होते हैं और थोड़ी कम हाइट होती है उनके अफ्रीकन एलिफेंट से ठीक है ना और दांत भी उनके जो है मोस्टली नहीं मिलते ठीक है ना तो ये जो चीज़ है एशियन एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में होता है ये एशियाटिक एलिफेंट जो है वो इंडिया के अंदर नीलगिरी रिजर्व जो है अब नीलगिरी रिजर्व बेसिकली कहाँ पर है आपके जो साउथ इंडिया का पार्ट है साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे ये मैप है इसमें आप देख सकते हैं दैट इस एरिया के अंदर ये नीलगिरीज है बेसिकली ये देखिए जो ग्रीन के अंदर है ना ये पूरा एरिया ये नीलगिरी के पहाड़ है ठीक है वेस्टर्न घाट बेसिकली इस पूरे एरिया को वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है ये पूरी पूरी एक लाइन है सीरीज़ है पूरी पूरी, पूरी माउंटेंस की इसके अंदर जो सबसे बड़े बड़े माउंटेंस मिलते हैं वो नीलगिरीज में मिलते हैं जैसे डोडा बेटा है ठीक है ना ये सारे सारे यहाँ मिलते हैं तो नीलगिरी जो है वो नीलगिरी बेसिकली नाम किस लिए है वो आपके नीली करौंजी नाम की एक प्लांट है जो यहाँ पर उगता है नीली करौंजी की बड़ी चीज़ ये है कि बारह साल में एक बार ये ग्रो करती है ठीक है सिर्फ बारह साल तक आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में ग्रो करेगी और नेचुरली ग्रो करती है और जिस समय ये ग्रो करती है जितने जितने पहाड़ है वो सब के सब नीले रंग के हो जाते हैं है ना सब लाइट ब्लूश कलर के हो जाते हैं और उस कारण से एक बहुत बड़ा टूरिज़्म जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो दौड़ता हुआ आता है इवन रिसेंटली क्या हुआ कि पिछले दो तीन साल पहले अफवाह फैल गई कि नीलगिरी जो है वो उगने लग गई है तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतने ज़्यादा लोग जो है वो इसको देखने के लिए वहाँ पर आ गए कि अल्टीमेटली वहाँ पर जैम लग गया रोड के ऊपर ठीक है ना तो ये नीली कॉलोजी कारण बड़े बड़े पहाड़ और खूब सारे पहाड़ किलोमीटर्स के अंदर जो है वो ब्लूइश हो जाते हैं ठीक है ना तो इसलिए इसका नाम जो है वो नीलगिरी नील मतलब नीला गिरी मतलब पहाड़ ठीक है तो नीलगिरी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो एल एशियाटिक एलिफेंट्स हैं उनकी सिचुएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ठीक है जिसके कारण जो है वो बेसिकली ये न्यूज़ बनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैसे तो नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी क्या है एशियाटिक एलिफेंट क्या है इसलिए मैंने इस चीज़ को इसमें डाला है दे आर थ्री सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स विच आर इंडियन सुमात्रा एंड श्रीलंका देखो एशियन एलिफेंट्स की भी तीन स्पीशीज मिलती है अभी मैंने जो आपको स्पीसी बताई थी वो थी वर्ल्ड के अंदर एलिफेंट कितने तरह के होते हैं अब इंडियन एलिफेंट के अंदर कितने तरह के हैं वो चीज है ठीक है ना द इंडियन सब स्पीशीज है द वाइडर रेंज एन अकाउंट फॉर द मेजारिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट्स इन द कॉन्टीनेंट ग्लोबल पॉपुलेशन बीस हज़ार से चालीस हजार के आसपास है ठीक है इनका स्टेटस क्या है तो एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में है। साइट्स का अपेंडिक्स वन भी जो है वो इससे रिलेटेड है ठीक है ये चीज़ है यू जी सी अनवी ड्राफ्ट नॉम्स टू अलाउ फॉरन यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपस इन इंडिया इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपके यू जी सी जो है यानी कि आपके आपके जो यूनिवर्सिटीज़ ग्रैंड कमीशन है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि उसने एक नया रूल निकाला है जिसके अंदर जो फॉरन यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आपके ऑक्सफोर्ड है कैम्ब्रिज है इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आकर के और काम कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपनी ब्रांच खोल सकते हैं इसके अंदर इनको इतनी फ्रीडम भी दी जाएगी कि भाई जिस तरह के टीचर्स हैं वो बाहर से लाना चाहते हैं तो बाहर से टीचर्स ला सकते हैं और अपना करिकुलम के हिसाब से काम कर सकते हैं फीस भी अपने हिसाब से जो स्ट्रक्चर कर सकते हैं ठीक है तो काफी ज्यादा इनको जो है वो लिवरेज दी जा रही है कि पहले ये लिवरेज नहीं थी उनको ठीक है ना इवन आने के लिए भी काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे आज की डेट में वो वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं उसका बड़ा रीजन ये है कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो दो में आई थी है ना उस पॉलिसी के अंदर स्पेसिफ़िकली टारगेट किया गया था कि भाई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको इंडिया में आने के लिए प्रमोट करना चाहिए और साथ में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी बाहर कोशिश करनी चाहिए जाने के लिए ठीक है ना आज के डेट में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जैसे आई दिल्ली है वो कोशिश कर रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया एक कतर के अंदर जो है वो अपना एक नया कैंपस खोले ठीक है ना इस तरह की बातें भी चल रही है ठीक है यही सेम चीज़ जो है वो बेसिकली यू जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आए ठीक है ना ताकि इंडिया का भी जो लोग है वो ग्रो कर सके देखिए मैंटेलिटी का डिपेंड करता है कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर वो लोग रह रहे हैं जैसे आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में सकता है तो ये सारी चीजें बेसिकली उस कैंप हो रहे ओके okay? फिर न्यूज इन शॉर्ट है नॉट ऑडिबल ऑडिबल आई एम ऑडिबल नाउ आई एम ऑडिबल नाउ Am I audible now? Am I audible? Am I audible now? आवाज आ रही है मेरी चलिए ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो तमिल्स हैं उनके साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो जो तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए का, बात कही जा रही है कि भाई तमिल्स जो वहाँ पर है तमिल्स की बेसिकली जो पार्टी है तमिल नेशनल अलायंस है वो ये बात कह रही है कि भाई हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इवन हमारे कहीं लोगों को जो है वो अरेस्ट करके अंदर रख लिया गया है तो हम लोगों को जो है फ्री किया जाए और हमारे साथ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए ठीक है ना और हमारे जो है डेवलपमेंट का भी काम जो है वो भारत सरकार को श्रीलंका की सरकार को करना चाहिए ठीक है ना ये चीज़ है एक छोटी न्यूज है कि भाई स्टेलमेट इन स्पीकर रेस कंटिन्यूज एज मैक कैथी फेल्स टू विन लॉ मेकर सपोर्ट मैक कैथी जो है वो बेसिकली स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे हैं वाशिंगटन के अंदर ठीक है ना लेकिन हो क्या रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि भाई कोई स्पीकर जो है वो सपोर्ट नहीं ले पाता और अल्टीमेटली कई बार वोटिंग होने के बावजूद भी वो बेसिकली जो है वो बन नहीं पा रहे हैं स्पीकर ठीक है ना तो ये चीज जो है वो इनसे रिलेटेड है तो ये था आज का हमारा न्यूज पेपर उसके बाद में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं अदरवाइज वी शुड एंड इट ओके चलिए ठीक है देन एंड करते हैं हम लोग क्लास को ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे